नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर हम आपको टॉप 5 बेस्ट माइक्रो न्यूट्रियन खाद के बारे में बताने वाले हैं। हर एक फसल के लिए माइक्रो न्यूट्रियन युक्त खाद की आवश्यकता पड़ती है, तो इस वीडियो का इंतजार लगभग सभी किसान भाई कर रहे थे और सभी किसान भाइयों की आज की इस वीडियो पर कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पर हम फाइनली टॉप 5 बेस्ट माइक्रो न्यूट्रियन खाद के बारे में बताने वाले हैं जिनका रिजल्ट बेस्ट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखे। चलिए शुरू करते हैं। खेती करते समय बीच बीच में फसल को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति हम सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद से कर सकते हैं। एक प्लांट या फिर फसल के विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास है, जिसकी जरूरत तो सबसे ज्यादा पड़ती है। वहीं द्वितीयक पोषक तत्व सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी आवश्यकता पड़ती है लेकिन कम पड़ती है। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें यानी सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो बोरॉन, जिंक, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। भले हमारी फसलों पर कम माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है, डिफिशेंसी रहती है, तो उसकी पूर्ति हम माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त खाद से कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हर एक फसल पर, लगभग सभी फसलों पर माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त खाद देने से उपज बढ़ती है। तो ऐसी 5 टॉप बेस्ट रिजल्ट देने वाली माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 अराइज एग्रो लिमिटेड का, जो एग्रोमैन सॉइल प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद। यह है 100% घुलनशील खाद है और इसमें कंटेंट की बात करें, सामग्री की बात करें तो इसमें जिंक है 6%, आयरन है 4%, मैग्नीज की मात्रा है 3% और बोरॉन की मात्रा है 0.8% और साथ ही कॉपर की मात्रा है इसमें 0.8% का कॉम्बिनेशन है। यह 1 kg, 5 kg और 10 kg पैक में मार्केट में अवेलेबल है। अराइज एग्रो लिमिटेड का एग्रोमैन सॉइल प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद के बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं और इसको आप लगभग सभी क्रॉप पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ड्रिप पर इस्तेमाल कर सकते हैं, खड़ी फसलों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सामान्य तरीके से खेती कर रहे हैं तो इसको आप जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके रिजल्ट, इस माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद के रिजल्ट बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। बात करते हैं नंबर 2 मल्टीप्लेक्स लिमिटेड का, जो ऑल क्रॉप के नाम से आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स। यह भी बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसमें कंटेंट की अगर बात करें तो इसमें जिंक है 6%, मैग्नीज की मात्रा है 3% और बोरॉन की मात्रा है इसमें 2%, आयरन की मात्रा है 4% और मॉलिब्डेनम 0.05% और कॉपर है इसमें 1%। इसको भी आप लगभग सभी प्रकार की क्रॉप पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके भी शानदार रिजल्ट मिलते हैं। बात करते हैं नंबर 3 सनमुखा कंपनी का, जो भाग्य के नाम से आता है। यह भी 100% तो घुलनशील है और इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो इसमें जो कंटेंट है, जिंक है 5%, मैगनीज 1%, बोरॉन 0.50%, इसके अलावा कॉपर 0.50% और आयरन की मात्रा है इसमें 0.01% की क्वांटिटी है। इस प्रोडक्ट के भी बढ़िया और शानदार रिजल्ट हैं। बात करते हैं नंबर 4 अभिमन्यु एग्री लिमिटेड का, जो एनर्जी गोल्ड के नाम से आता है। इस प्रोडक्ट के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं और इसमें जो कंटेंट है, यह है इसमें आयरन है 3%, मैग्नीज है 2%, जिंक है 6% और कॉपर है 1%, बोरॉन है 1% और मॉलिब्डेनम और सल्फर की भी इसमें मात्रा है। तो अभिमन्यु का जो एनर्जी गोल्ड के नाम से आता है, यह भी बेहतरीन प्रोडक्ट है और यह 1 kg पैक और 3 kg पैक में उपलब्ध हो जाता है। इसके भी शानदार रिजल्ट प्राप्त होते हैं। नंबर 5 पर हमने रखा है माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद जैसा बेस्ट रिजल्ट देने वाला CBD एक्सट्रैक्ट, जो फसल की ग्रोथ करेगा बढ़वार में सक्षम है और साथ ही उपज उत्पादन बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक है। तो
तो इफ्को कंपनी की सागरी का दानेदार और पीआई का वायुवीटा दानेदार को हमने ऐड किया है, जो पोषक तत्वों को और साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए और साथ ही उपज बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक है। सागरी का दानेदार और वायुवीटा दानेदार प्राकृतिक उत्पाद है, सीबीडी एक्सट्रैक्ट है, जिनका उपयोग आप खड़ी फसलों पर और सब्जियों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 किलोग्राम से लेके 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका और वायुवीटा घुलते तो हैं लेकिन तुरंत नहीं घुलते हैं, यानी धीरे धीरे घुलते हैं, तो इसलिए आप इनको ड्रिप पर इस्तेमाल ना करें। इनको आप खड़ी फसलों पर सामान्य तरीके से खेती पर या फिर बेसल डोज के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों को हरी भरी करने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं पीआई का वायुवीटा और इफ्को कंपनी का सागरिका दानेदार प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हमने आपको टॉप 5 बेस्ट रिजल्ट देने वाले माइक्रो न्यूट्रियन खाद के बारे में बताया। इस वीडियो पर हमने आपको जितने भी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रियन और सीबीडी एक्सट्रैक्ट के बारे में बताया है, उनके शानदार रिजल्ट मिले हैं। यदि आप अन्य प्रकार की कंपनियों के माइक्रो न्यूट्रियन खाद का प्रयोग करते हैं जिनके बहुत ही शानदार रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जिनके बेस्ट रिजल्ट प्राप्त हुए हैं और आप काफ़ी टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हमने आपको टॉप 5 बेस्ट रिजल्ट देने वाले माइक्रो न्यूट्रियन खाद के बारे में बताया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।